हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन टेक्निकल इंस्टीट्यूट पर। और आज अपने एक नया टॉपिक लेके आ गए हैं, सेल एवं बैटरी, यानी कि सेल और बैटरी से रिलेटेड जितने भी आपके कॉन्सेप्ट होते हैं, जितने भी आपके टाइप के क्वेश्चन आंसर बनते हैं, वो सारे के सारे अपने यहाँ पे आज करेंगे और आगे आने वाली जो क्लासेस कही रहेंगी उनमें करेंगे। तो सबसे पहली जो चीज़ रहती है कि आपका जो सेल है वो विद्युत धारा के कौन से प्रभाव पे काम करता है, तो रासायनिक प्रभाव। रासायनिक प्रभाव यानी कि आपका जो सेल है वो विद्युत धारा के कौन से प्रभाव पे काम करता है, रासायनिक प्रभाव पे। और जब हमने विद्युत धारा के प्रभाव किए थे और रासायनिक प्रभाव आया था, उस टाइम भी मैंने आपको बताया था कि इससे रिलेटेड जो है आपके और कहीं से क्वेश्चन आंसर नहीं उठते हैं, वो केवल और केवल आपसे कहाँ से उठते हैं, सेल और बैटरी से जो है आपके क्वेश्चन आंसर इससे रिलेटेड उठते हैं। और एक ही क्वेश्चन बनता है कि आपका जो सेल है वो विद्युत धारा के कौन से प्रभाव पे काम करता है, तो कौन से प्रभाव पे काम करता है, रासायनिक प्रभाव पे। और दूसरा क्वेश्चन है कि आपका जो सेल है वो कौन सी ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा के अंदर कन्वर्ट करता है, तो यानी कि ये क्या करके देता है अपने को, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। क्या काम करता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में या विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने का ये काम करता है। अब पेपर में किस तरीके का क्वेश्चन आता है, तो पेपर में क्वेश्चन आता है कि आपका जो सेल है वो कौन सी ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, तो आपका रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। इससे रिलेटेड मैंने एक पहले आपको बताया था कि विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है, और ऊर्जा जो संरक्षण का नियम है वो क्या बताता है अपने को कि आपकी जो ऊर्जा है इसको न तो पैदा किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। यानी कि आपकी जो ऊर्जा है उसको न तो हम लोग पैदा कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं, यानी कि खत्म कर सकते हैं, हाँ लेकिन कन्वर्ट कर सकते हैं। एक जो आपकी पोजीशन है उससे दूसरी पोजीशन के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। जिस तरीके से देखिए, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि क्या होता है कि बैटरी जो होती है उस बैटरी के अंदर या जो सेल होता है उसमें क्या होता है कि विद्युत ऊर्जा को इकट्ठा करके रखते हैं, ठीक है, और किस रूप में रखते हैं, तो रासायनिक ऊर्जा के रूप में। उसके बाद में हमें किस रूप में मिलनी चाहिए, विद्युत रूप में, तो हम लोग क्या करते हैं उस रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं, इस ऊर्जा का रूप ही बदल रहे हैं, कभी रासायनिक से विद्युत ऊर्जा में, उसके बाद में जब हमें यूज़ करनी होगी, हमें तो चाहिए जैसे हीटर चलाना है, तो हीटर चलाने के बाद में हमें कौन सी मिलेगी, ऊष्मा मिलेगी, ऊष्मा ऊर्जा के रूप में, तो वहाँ से हम लोग क्या करेंगे, विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट कर लेंगे। या विद्युत से हमने पंखा चलाना है, तो पंखा चलाना है इसका मतलब क्या है, हम उससे पवन ऊर्जा के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। तो वही चीज़ है, यानी कि ऊर्जा जो है उसको न तो पैदा किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, उसको केवल और केवल एक स्थिति से दूसरी स्थिति में बदला जा सकता है। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम हमें यही बताता है। अब बात आती है कि आपका जो सेल एवं बैटरी है उसके अंदर सेल और बैटरी है क्या चीज़, तो एक ऐसा जुगाड़ लगाया गया कि हम लोग पहले देखते थे कि आपकी जो करंट है, अगर सेल या बैटरी ना हो, ठीक है, तो सेल अगर बैटरी ना होगी तो उसके बाद में हम लोग ऊर्जा जो है, अगर लाइट आई हुई है तो हम लोग उसका यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर बिजली चली गई, बिजली सप्लाई बंद हो गई, तो सप्लाई बंद होने के बाद में भी अगर हमें ऊर्जा जो है विद्युत ऊर्जा चाहिए तो हम लोग किस तरीके से ले पाएंगे, नहीं ले पाएंगे। ऐसे तो है नहीं कि घर पे पैदा कर लेंगे, तो घर पे पैदा नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक काम कर सकते हैं, उस ऊर्जा को हम लोग स्टोर करके रख सकते हैं पहले से। इसलिए इन्होंने क्या किया, एक जुगाड़ लगा के सेल या बैटरी बना दी जिसके अंदर जो आपकी विद्युत ऊर्जा थी उसको रासायनिक ऊर्जा के रूप में बदल कर और रखा जा सकता था, ठीक है। तो अब अपने शुरू करते हैं अपना जो टॉपिक है उसके अंदर जो सेल और बैटरी है, इस सेल और बैटरी के अंदर कौन कौन से पार्ट रहते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। हाँ जी, तो इसमें अपने देख लेते हैं कि इसके अंदर जो आपका सेल या फिर जो आपकी बैटरी है उस बैटरी के कौन कौन से पार्ट होते हैं, तो कौन कौन से पार्ट होंगे। सबसे पहले तो ये अपनी कोई एक बैटरी है जिसके अंदर
सबसे पहले जो कौन कौन सी चीज़ें अपने को ज़रूरत होगी वो सारी चीज़ें देखेंगे। तो ये तो सबसे पहले दो इलेक्ट्रोड चाहिए, दो क्या चाहिए, इलेक्ट्रोड चाहिए, एक अपने को प्लस चाहिए और एक माइनस चाहिए। अपने प्लेटें बोलते हैं कि सेल के अंदर दो तारे होती है, बैटरी के अंदर दो तारे होती है, एक प्लस की होती है और एक माइनस की होती है, वही दोनों चीज़ें हैं। इसको बोलते हैं एनोड, इसको बोलते हैं कैथोड। मेरा जो सिस्टम है पढ़ाने का वो बच्चे को हिंदी के अंदर इजी से इजी तरीके से समझ में आने वाला कॉन्सेप्ट है और एग्ज़ाम में आने वाला जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे करवाने का टारगेट रहेगा। तो अब अपने देखते हैं इसके अंदर एक द्रव भी भरा होता है या कई जगहों के अंदर आपका सूखा पदार्थ भी भरा होता है, ठीक है, सेल वगैरह जो अपने देखते हैं कई शुष्क सेल भी होते हैं, वो अपने आप सारा कुछ आगे करेंगे। तो ये जो होता है इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। ये क्या होता है इसके बारे में भी आपको बताएंगे अभी। उसके बाद में दो चीजें होती है, एक होते हैं आपके धनायन, और एक होता है आपका ऋणायन। और इसको जो अपना पात्र बोल देते हैं या फिर वोल्टामीटर। पेपर में किस तरीके के क्वेश्चन रहेंगे वो देख लेते हैं अपने, ठीक है। तो ये सारी के सारे जो है अपना जो कोई भी सेल होता है उस सेल के क्या होते हैं, पार्ट होते हैं, भाग होते हैं। इतनी जो चीज़ें हैं उनके द्वारा अपना एक सेल जो है बना होता है। तो सबसे पहले तो उसमें दो प्लेटें होंगी, कम से कम दो प्लेटें होंगी। तो कम से कम अगर दो प्लेटें होती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। और अब बैटरी किसको बोलेंगे, तो सेल जो है वो एक आपका दो प्लेटों का एक सेल बना होगा। तो अपने वैसे अगर डायग्राम देखते हैं इसका सिंबल कैसे बनाते हैं, तो सिंबल ऐसे बनाते हैं अपने, इसका जो सिंबल है वो ऐसे बनाते हैं। और अब बात आती है कि बैटरी क्या होती है, तो आपकी बैटरी जो है ऐसे ही जो है ऐसे ही कई पर जो सेल है उनको अगर जोड़ लिया जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैटरी बोलते हैं, जिसका जो है सिंबल क्या होता है, इस तरीके का बना होता है आपका। तो यानी कि ये आपका क्या हो गया, सेल हो गया, और ये क्या हो गया आपका, बैटरी होगी। तो दोनों के अंदर आपका जो है, ये एक क्वेश्चन था लगभग शायद डीआरडीओ के एग्जाम में पूछा गया था कि बैटरी किसको कहा जाता है, ऐसा क्वेश्चन था जिसके अंदर ऑप्शन दिए गए थे कि सेलों का परिपथ को कहा जाता है, सेलों की संख्या को कहा जाता है, सेलों के समूह को कहा जाता है। तो उसके अंदर जो आंसर है उसका, तो सेलों के परिपथ को नहीं कहा जाता है, सेलों के समूह को जो है आपका बैटरी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। अब बात आती है यहां पर आते हैं, तो एनोड और कैथोड दो प्लेटें होंगी, पॉजिटिव प्लेट को अपने क्या बोलेंगे, एनोड बोलेंगे, और नेगेटिव प्लेट को क्या बोलेंगे, कैथोड बोलेंगे। और जो आपके नेगेटिव प्लेट की ओर जाने वाले जो आयन होंगे उनको हम लोग क्या बोलेंगे, धनायन बोलेंगे, और जो पॉजिटिव प्लेट की ओर जाने वाले आयन होंगे उनको हम लोग क्या बोलेंगे, ऋणायन बोलेंगे। उसके बाद में इलेक्ट्रोड, तो इलेक्ट्रोड के रूप में दो छड़े यूज की जाएगी जिनको हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव बोलेंगे। सेल के अंदर अलग अलग धातुओं की अलग अलग जो है प्लेटें अलग अलग सेल के अंदर यूज की जाती है, वो अपने एक सारणी के माध्यम से सारे के सारे पेपर में आने वाले क्वेश्चन है वो मैं आपको उस टाइम बताऊंगा। उसके बाद में इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट के रूप में ज्यादातर आपका जो है कौन सा पदार्थ यूज होता है, तो H2SO4 जो है, H2SO4 जो है आपका, या जिसको गंधक का अम्ल बोला जाता है, H2SO4 या गंधक का अम्ल जो होता है उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट के रूप में ज्यादातर यूज किया जाता है। उसके अलावा भी कई चीजें यूज की जाती है जिनको आगे पढ़ेंगे।
उसके बाद में वोल्टामीटर या पत्र, ठीक है। तो ये कई जो चीज़ें हैं, इस बेस्ट वगैरह है, या अपनी जो चीनी मिट्टी की भी कई जगहों के ऊपर देखने को मिल जाते हैं। तो पत्र जो है वो एक कई जगहों पे चालक के रूप में, या फिर जो अपना एक इलेक्ट्रोड है उस इलेक्ट्रोड के रूप में, अगर आपने पुराना रेडियो वगैरह का सेल देखा है, या अभी जो अपने सेल आते हैं जो दीवार घड़ी के अंदर डलते हैं, वो सेल अगर आपने देखे हैं, तो उसमें क्या होता है कि अंदर की तरफ एक ही आपका इलेक्ट्रोड होता है, और बाहर की तरफ जो बॉडी होती है उसी बॉडी को वो क्या करता है, दूसरे इलेक्ट्रोड के रूप में यूज करता है। तो बॉडी जो पत्र है उसको कई बार तो अचालक के रूप में यूज किया जाता है, और कई बार क्या होता है कि एक जो आपका इलेक्ट्रोड होगा उस इलेक्ट्रोड के रूप में भी कई जगहों पे यूज किया जाता है, ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, इतनी हार्ड नहीं थी। तो आगे अपने कॉन्सेप्ट करते हैं कि आपके जो नियम हैं इसके अंदर कौन कौन से आपके नियम लगते हैं सेल चैप्टर के अंदर, वो देख लेते हैं। तो पहले फैराडे के जो नियम हैं, उससे पहले एक चीज और भी है, वो भी कर लेते हैं साथ में। तो वो चीज क्या है आपकी, वो देख लेते हैं। उसको बोलते हैं रासायनिक तुल्यांक और विद्युत रासायनिक तुल्यांक। रासायनिक तुल्यांक क्या है, तो इसका सूत्र ही देख लेते हैं। परमाणु भार बटा में संयोजकता, परमाणु भार बटा में संयोजकता जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक तुल्यांक बोलते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि एक्चुअल में अपने देखते हैं कि जैसे ऑक्सीजन का उदाहरण लेते हैं, तो ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन की जो परमाणु भार है, ठीक है, वो परमाणु भार कितना है, 16 है, और जो संयोजकता है, संयोजकता कितनी है, 2 है। तो इसका मतलब क्या है कि उसका विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या होगा, तो विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या होगा, 8 होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप कोई भी जो आपका पदार्थ होगा उसका जो है रासायनिक तुल्यांक है, जो है केमिकल इक्विवेलेंट जिसको बोलते हैं, वो निकाल सकते हो। उसके बाद में दूसरी चीज आती है ECE, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट या फिर विद्युत रासायनिक तुल्यांक किसको बोलते हैं, तो आपका वह द्रव्यमान है, वह द्रव्यमान है जो एक एम्पियर, एक कूलाम आवेश, आवेश, तो एक कूलाम आवेश का मतलब क्या है कि एक एम्पियर करंट है, एक सेकंड समय के अंदर जो है प्रवाहित होती है, तो एक कूलाम आवेश हो जाएगा। तो एक कूलाम आवेश है वो इलेक्ट्रोलाइट से जुड़ता है या टूटता है, जुड़ता है या फिर टूटता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत रासायनिक तुल्यांक बोलते हैं। सूत्र की बात आती है, सूत्र क्या होता है, तो ECE का सूत्र क्या होगा, वह द्रव्यमान, तो M बराबर ZIT, मोस्ट इंपॉर्टेंट सूत्र है, ध्यान रखिएगा, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन भी है, और साथ साथ में जो फैराडे है उस फैराडे का जो पहला नियम है वो भी इसी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। विद्युत रासायनिक तुल्यांक इसके अंदर रासायनिक तुल्यांक आ जाएगा, और आपका जो है द्रव्यमान निकालना है, ZIT है तो धारा आ जाएगी और टाइम आ जाएगा, यानी कि रासायनिक तुल्यांक क्या है, परमाणु भार बटे संयोजकता। उसके बाद में इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विपमेंट या फिर विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या है, तो वह द्रव्यमान होगा जो एक कूलाम आवेश से इलेक्ट्रोलाइट में से जो है जुड़ता है या फिर टूटता है यानी गुजरता है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत रासायनिक तुल्यांक बोलते हैं। वो अलग अलग पदार्थों को क्या होता है, अलग अलग होता है, और इसका सूत्र क्या होगा, तो M बराबर ZIT होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सूत्र है और पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है और बार बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। तो नोट कर लीजिए जल्दी से जल्दी। हाँ जी, अब अपने करते हैं
जो है फेराडे के विद्युत अपघटन के नियम जो सेल चैप्टर के अंदर आते हैं वो, ठीक है। तो फेराडे के विद्युत अपघटन के नियम तो फेराडे जो वैज्ञानिक था उसने दो नियम दिए। फेराडे वैज्ञानिक ने विद्युत अपघटन के कितने नियम दिए हैं? दो नियम दिए हैं। और दो नियम के अंदर वो पहले नियम के अंदर क्या बताते हैं? तो पहला नियम जो है उसके अंदर क्या बताता है? तो वही चीज बताता है एम बराबर जेड आई टी, जो अभी हमने की है। मैंने बोला ना कि आपका जो है विद्युत रासायनिक तुल्यांक के अंदर भी ये सूत्र इंपॉर्टेंट है, और फेराडे का जो पहला नियम है उस पहले नियम के अंदर भी ये सूत्र क्या है? इंपॉर्टेंट है। बस इसको थोड़ा सा डिफाइन किया गया है और पेपर में भी इसकी जो है डेफिनेशन भी पूछ ली जाती है कई बार। तो फेराडे का पहला नियम क्या बताता है? तो मुक्त हुए पदार्थों का द्रव्यमान मुक्त हुए पदार्थों का द्रव्यमान यानी कि m, उसमें से प्रवाहित की गई विद्युत धारा के व समय के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो पहला नियम अपने को सूत्र ही है, बस उसको उसने क्या कर दिया है? थोड़ी सी डेफिनेशन के अंदर लिख दिया है। एम जो है वो किसके समानुपाती है? तो उसने बोल दिया कि जो मुक्त हुए पदार्थों का द्रव्यमान है यानी कि आपका जो मास है एम है, ठीक है, वो उसमें से जो प्रवाहित की गई विद्युत धारा है और कितने समय तक प्रवाहित की गई है वो टाइम जो है उन दोनों के क्या है गुणनफल के क्या होता है? समानुपाती होता है। उसने इसको क्या किया है डेफिनेशन के अंदर थोड़ा सा बता दिया है। तो केवल और केवल काम इतना ही किया है, पेपर में ये भी पूछा जा सकता है और इसकी ये डेफिनेशन देके भी पूछ लेता है कि ये किस नियम से बोला गया। तो फेराडे के पहले नियम के अंदर विद्युत अपघटन से संबंधित नियम के अंदर ये क्या क्या है बोला गया है। तो दूसरा नियम देखते हैं, दूसरा नियम अपने को क्या बताता है कि अगर हम लोग एक ही मान की विद्युत धारा एक ही समय तक अगर हम लोग क्या करेंगे अलग अलग आपके जो अपघटे है, अपघटे से मतलब क्या है कि आपका जो इलेक्ट्रोलाइट है उस इलेक्ट्रोलाइट में से अगर प्रवाहित करेंगे तो आपका जो द्रव्यमान का जो अनुपात होगा वो क्या रहेगा आपका? इस तरीके का रहेगा, समानुपाती रहेंगे, एम वन समानुपाती डब्ल्यू वन, उसके बाद में M2 समानुपाती W2, उसके बाद में M3 समानुपाती W3। अब अगर अपने इसको और सूत्र के अंदर डिवाइड करके देखते हैं तो M1 बटे में W1 बराबर M2 बटे में W2 बराबर M3 बटे में W3। यानी कि इसने बस कुछ चेंजेस नहीं किया है, इसने कहा है
कि अगर हम लोग विद्युत धारा जो है और जो समय है एक ही मान का जो विद्युत धारा है और एक ही मान की जो समय है यानी कि एक ही टाइम तक हम लोग अगर अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट में से प्रवाहित करेंगे तो उनका जो विद्युत रासायनिक तुल्यांक है वो क्या होगा कि उसके अंदर जो द्रव्यमान है वो अलग अलग पदार्थ जो आपके रहेंगे इलेक्ट्रोलाइट उनका क्या रहेगा एक दूसरे के समानुपाती रहेगा, उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं होगा। अगर बढ़ेगा एक का तो दूसरे का भी बढ़ेगा और अगर दूसरे का घटेगा तो पहले का भी घटेगा, इसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं होगा। नहीं तो फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम पहला नियम क्या बताता है, एम बराबर जेड आई टी है यानी कि मुक्त हुए पदार्थों का जो द्रव्यमान है उसमें से जो प्रवाहित की गई विद्युत धारा है या जो समय है उन दोनों के गुणनफल के क्या होता है समानुपाती होता है। उसके अलावा दूसरा नियम हम लोगों को क्या बताता है कि एक ही मान की विद्युत धारा अगर एक ही टाइम तक अलग अलग विलयन में से अगर अपने प्रवाहित करेंगे तो उसमें से जो आपके द्रव्यमान होंगे वो उन रासायनिक जो तुल्यांक रहेंगे उनके क्या रहेंगे समान रहेंगे, ठीक है, या फिर समानुपाती होंगे। उसने कहा अलग अलग जो आपके पदार्थ रहेंगे जो इलेक्ट्रोलाइट रहेंगे उन सभी के। तो दोनों नियम उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गए होंगे। तो अपने जो है ये वाला जो टॉपिक है इस टॉपिक को क्या करते हैं ज़्यादा बड़ा नहीं करते हैं, ज़्यादा बड़ा ना करके इसके अंदर अपने बेसिक कॉन्सेप्ट कर लिए हैं। उसके बाद में आपका जो है कुछ और चीज़ें हैं जैसे आपके प्राथमिक सेल है सेकेंडरी सेल है उन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस रहते हैं वो आगे अगली क्लास में करेंगे। तो इससे पहले अपने को पिछली जो आपकी क्लास थी उस पिछली क्लास में आपको क्या है कि दो क्वेश्चन दिए गए थे जो आपको कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करने थे, जो मैं आपको रोज़ देता हूँ, जो आपके लिए टास्क रहता है वो टास्क आपको दिया गया था। तो जिसके अंदर जो है पहला क्वेश्चन था आवेश की इकाई क्या होती है, तो आवेश की इकाई क्या होती है आज ही मैंने आपको बता दिया है कि आवेश जो है उसकी इकाई क्या होती है कूलाम, कूलाम बोल देते हैं, कई बार इसको क्या बोल देते हैं कूलम्ब बोल देते हैं। तो आवेश की इकाई क्या रहती है कूलाम या फिर कूलम्ब। इसके बाद में दूसरा आपका क्वेश्चन था कि वर्ग डी की आग बुझाने के लिए आपकी जो है कौन सा अग्निशामक यंत्र प्रयोग किया जाता है, तो वर्ग डी की आग बुझाने के लिए आपका जो है हेलोन, हेलोन जो है हेलोन नामक अग्निशामक यंत्र जो है प्रयोग किया जाता है आपकी वर्ग डी की आग बुझाने के लिए। इसके बाद में आज का जो आपका पहला क्वेश्चन है आज का आपका पहला क्वेश्चन क्या है कि आपके लिए जो है दो 5-5 ओम के जो है प्रतिरोध लगाए गए हैं, दो 5-5 ओम के प्रतिरोध लगाए गए हैं और 250 वोल्ट की है वोल्टेज है, तो आपका जो है करंट का मान सर्किट के अंदर विद्युत धारा का मान क्या होगा अगर श्रेणी क्रम में दो 5-5 ओम के प्रतिरोध लगाए गए, तो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, जल्दी से जल्दी कर दीजिए, करवाए हुए क्वेश्चन है पीछे। उसके बाद में आज का दूसरा क्वेश्चन है कि शुद्ध अवस्था में जो है द्रव अवस्था में रहने वाली धातु कौन सी है, तो शुद्ध अवस्था में द्रव अवस्था में रहने वाली धातु कौन सी है ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करना है, पीछे की क्लासों में करवाया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपके आज के दो क्वेश्चन है। और ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए ताकि हमें भी पता चलता रहे कि आप वीडियो को पूरा देख रहे हैं और आपको चीजें समझ में आ रही है, और अगर समझ में नहीं आती है फिर भी आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करते रहिए, जिससे जो है हम आपके लिए जो आपको टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है उस टॉपिक के लिए अलग से क्लास बना के और अपलोड कर सकते हैं। तो उसके लिए आपका रिस्पांस जरूरी है, तो रिस्पांस जरूरी है तो आप रिस्पांस कीजिए, और वीडियो आपको अगर अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट और शेयर भी कीजिए, और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि आपको जो है मोर एजुकेशनल वीडियो है इस चैनल के ऊपर मिलती रहती है, और मैं थ्योरी तो करवा ही रहा हूँ उसके साथ साथ में आपके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लासें हैं वो भी हम लोग जल्दी ही प्रोवाइड करवाने वाले हैं। तो आप हमारे जो चैनल है उससे अगर नहीं जुड़े हुए हैं अभी तक, या लोग जो आपके साथ वाले जो फ्रेंड सर्किल में हैं जो आप जिनको स्टडी से रिलेटेड क्लासेस चाहिए होती है तो उनको आप इस चैनल के ऊपर जोड़ सकते हो, तो जोड़िए उनको, और मिलते हैं आपसे सेल और बैटरी की अगली क्लास में और बहुत ही अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ और जो है बहुत इजी ट्रिक्स के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।